हेलो दोस्तों, फर्नीचर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज अपन बात करेंगे एमएस स्टील एल्यूमिनियम के अंदर पाउडर कोटिंग कैसे करवाते हैं और किस तरीके से करवाने से क्या फ़ायदा होता है। जैसे बता देता हूँ मैं, स्टील के अंदर आप लोखन के ऊपर एल्यूमिनियम के ऊपर अगर पाउडर कोटिंग करवाते हैं तो ये क्या करता है, हीटिंग करके इसके अंदर कोटिंग करते ताकि वो कलर 20 से 25 साल तक नहीं निकलता। इसके लिए ये फ़ायदा होता है। देख सकते हो आप, ये टेबल सब पाउडर कोटिंग होगा और पाउडर कोटिंग के करीबन 50 से 100 कलर अवेलेबल रहता है। जो भी आपको कलर करवाना है करवा सकते हो। ये 100 रुपये स्क्वायर फीट से काम किया जाता है। जितना स्क्वायर फीट काम होता है उसकी 100 रुपये प्राइस लगती है। जो भी कलर आप चॉइस करो, गोल्ड, जो भी ग्रे, जो आपको चाहिए वो अवेलेबल रहता है। और पाउडर कोटिंग में एक नंबर फिनिशिंग आती है जो हाथ से मारता है। ये मशीन से हीटिंग हो गया होता है तो कभी निकलता नहीं, नहीं कभी लोखन जंग पकड़ता है। इससे ये फ़ायदा होता है। आप देख सकते हैं हमारे वर्कशॉप, हमारी फैक्ट्री के अंदर ये जितनी टेबल फ्रेम सब दिखती है ये सब कोटिंग करवाई गई। अभी आपको मैं मशीन भी दिखा देता हूँ, इतना बड़ा मशीन किस तरीके से होता है। ये आपको जो मशीन दिख रही है इसके अंदर फ्रेम रखी, ये पूरी मशीन है। बड़ी मशीन के अंदर हम पहले पाउडर कोटिंग स्प्रे से मार देते, फिर इसके अंदर हीटिंग कर देता है। करीबन 5 से 6 घंटा मशीन के अंदर हीटिंग हो गए, कलर एकदम पक जाता है ताकि कलर लाइफ टाइम तक नहीं निकले। बहुत ही अच्छा रहता है। आपको कहीं भी करवाना हो 100 रुपये स्क्वायर फीट से ही ये काम होता है पाउडर कोटिंग का। भले एल्यूमिनियम के कराओ, स्टील कराओ, लोखन करवाओ, ब्रास कराओ, जो भी करवाओ, ये देख सकते हो गुड फिनिशिंग, एकदम मस्त ग्रे कलर में आपको दिख रहा है। तो दोस्तों, आपको ये चीज़ कैसी लगी मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल पर हर एक प्रकार का इंटीरियर फर्नीचर डिज़ाइन के बारे में वीडियो मिलता है, उसके बारे में पूरी जानकारी